दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन फ्राइडे का और आज डेट है 20 जनवरी 2023। टाइम हो रहा है 4:43 शाम के और मैं अभी आ चुका हूँ सेक्टर 14 द्वारका वेगस मॉल। लास्ट स्टॉप मेरा यहाँ पर हुआ था और अब मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि आज मॉर्निंग में कल भी 6 बजे निकला था और आज भी दोस्तों 6 बजे ही निकला था मॉर्निंग में, तो इसकी वजह से मैं साउथ एक्स में था, मतलब साउथ एक्स के पास ही था। तो मैंने लोकेशन डाली थी, तो पहले तो मेरे पास आ रही थी आपके साकेत की, साकेत की मैंने स्किप करी, फिर दूसरी आ रही थी लोधी कॉलोनी, वो भी स्किप कर दी, और तीसरी मतलब अनफॉर्चुनेटली मिल गई सीधा द्वारका सेक्टर 14 वेगस मॉल, तो अभी छोड़ा है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था करीब 6 बजे और 6 बजे मैं मतलब निकल गया था घर से और राइड मेरे पास आई थी 6:15 करीब, राइड आ गई थी। पहली ट्रिप मेरे पास आई थी करोलबाग मेट्रो, करोलबाग साइड की थी, मतलब कोई स्कूल था वहीं पे, करोलबाग का जो राउंड अबाउट सर्कल है गोल चक्कर, बस वहाँ BLK के पीछे की साइड में था जहाँ पे सत्संग राधा स्वामी सत्संग भवन है, उसी के वहीं पे स्कूल्स वगैरह था, तो वहीं पे मैंने ड्रॉप किया था। तो वहाँ से ड्रॉप करके फिर मेरे पास आ गई थी, 3.5 किलोमीटर दूर से आई थी, गणेश नगर लिखा हुआ था, तो मैंने कहा यार अब जहाँ की भी हो ले लो, क्योंकि सुबह एक तो राइड मतलब वैसे ही काम आजकल कम है, तो ऊपर से मैंने कहा जहाँ की भी आती है ले लो, बस मैंने एक्सेप्ट कर ली। देखा 3.7 किलोमीटर, तो मैंने कहा यार 4 किलोमीटर थोड़ा अजीब तो लग रहा था, मैंने कहा कि मोस्टली क्या होता है कि 800 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक की ट्रिप जो होती है वो थोड़ी सी सही लगती है और रहती भी है पिकअप करने में, एक तो टाइम बचता है और फिर 4 किलोमीटर आप सोचो 4 किलोमीटर से 3.7 किलोमीटर से आप पिकअप करने जा रहे हो तो कितना दूर होगा। तो इतनी दोस्तों जो गाड़ी हमारी चलती है जैसे हर पिकअप पे मतलब 1 किलोमीटर तो आप कम से कम मान के चलो, एक ड्यूटी पे आप 1 किलोमीटर दूर जा रहे हो, तो एक किसी पे एक है किसी पे दो है, मोस्टली पर ट्रिप पे आप 2.5 किलोमीटर की ऑन एवरेज मान सकते हो कि 2.5 किलोमीटर हमें पिकअप लेने जाना पड़ता है। और 2.5 किलोमीटर का क्या है कि कैलकुलेट जब हम करते हैं तो ये 2.5 किलोमीटर 30 से 35-50 किलोमीटर तक भी हो जाता है, और 50 किलोमीटर डेली की डेली हमारी गाड़ी खाली चलती है जिसका हमें कोई कंपनी की तरफ से मिलता नहीं है, ठीक है। बीच में जैसे कि मैंने बताया भी था कि मतलब लॉन्ग पिकअप पे देता था ओला भी देता था उबर भी देता था, बट अब क्या है कि एक भाई मेरे को लास्ट टाइम आपको बताया होगा साकेत में जब मिले थे दो भाई, उनसे एक भाई बोल रहा था कि आता है बिल में लिखा हुआ लॉन्ग पिकअप का, बट मुझे नहीं लगता कि मिलता है। तो आप लोगों में से कोई भी भाई अगर मतलब उबर चलाता है तो मुझे बताया कि लॉन्ग पिकअप का जो लॉन्ग डिस्टेंस का हम जैसे 3-4 किलोमीटर गाड़ी जाते हैं लेके जाते हैं पिक करने जाते हैं, तो उसका हमें एक्चुअल में मिलता है कि नहीं मिलता, किसी भाई को अगर पता हो तो ज़रूर बताना। तो मेरे हिसाब से क्योंकि जो एप्लीकेशन में जब हमारे पास बुकिंग आती थी उस टाइम लिखा हुआ आता था 11 रुपये 25 रुपये 35 रुपये 50 रुपये तक का एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था कि हाँ इस राइड पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेगा, दूर लॉन्ग पिकअप का है तो दूर से आप पिकअप करने जा रहे हो तो आपको 50 रुपये मिलते थे, और वो 50 रुपये क्या है कि अगर राइडर कैंसिल भी करता था तो हमें कटपिट के 40 रुपये ऑटोमेटिकली आ जाते, 40 से 49 रुपये हमारे अकाउंट में उसी टाइम आ जाते थे, तो इसमें बेनिफिट हमारा हो जाता था कि चलो यार पिकअप करने जा रहे हैं तो कैंसिल भी हुई तो कम से कम 40 रुपये तो बंदा देकर जाएगा। तो जिस भी भाई को अगर पता हो जरा मेरे को बताना कमेंट्स करके, एप्लीकेशन तो आप शो होना बंद हो गया है, ठीक है, कि एप्लीकेशन में बिल्कुल ही ये चीज़ बंद हो गई है। तो दोस्तों मॉर्निंग में पहली ट्रिप करोलबाग, करोलबाग से आ गई थी गणेश नगर, गणेश नगर की देखी थी तो मैंने वही अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन की थी, तो अक्षरधाम टूवर्ड्स नोएडा जाने वाली साइड पर मैंने छोड़ते के साथ ही मेरे पास एडवांस में एक और बुकिंग आ गई थी, तो वो थी आपका इधर बारखंबा वाली साइड पर, वो भी स्कूल का ही ड्रॉप था उसको ड्रॉप किया। एक्चुअली सुबह सुबह आपको स्कूल से रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, सुबह आप जितनी जल्दी निकलोगे आपको ये 3 लोकेशन की बुकिंग्स मिलेगी, ऑफिस वगैरह की थोड़ी लेट मिलती है 7 बजे के बाद। तो वहाँ से मैं आ गया था कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस में कम से कम मैं रहा आधा घंटा घूमता रहा, बुकिंग्स बिल्कुल नहीं आई। शिवाजी मेट्रो स्टेशन गया 10-15 मिनट वहाँ भी लगाए खड़ा रहा बट कोई बुकिंग नहीं, फिर मैं सोचा यार सुबह निकलना आज मतलब ठीक है कि नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली बंगला साहिब गुरुद्वारे से राइट मुड़ते जो आपका मेट्रोपॉलिटन कोई होटल है वहां से मेरे पास पिकअप आ गया था, और पिकअप आया था छावला BSF कैंप लिखा हुआ था, तो वहां पर क्या है कि छावला तो नहीं वो निर्मल धाम करके है वहां पर, तो जस्ट द्वारका से आप टूवर्ड्स अगर नजर की साइड या छावला की तरफ जाते हैं
तो आपका मेन रोड भी नाले के पास में ढलान पे उतरते ही निर्मल धाम है, तो वहीं पे मेरा ड्रॉप हुआ था। तो वो कह भी रहे थे आधे घंटे मैं रुकूंगा, आधे घंटे के बाद अगर मैं जाना होगा तो मैंने अपना नंबर शेयर कर दिया था। मैंने कहा देख लेना, मुझे कॉल कर देना जितना भी है। 464 रुपये का उनका टोटल बिल कटा था, ऊपर से मुझे तो 300 रुपये मिले थे 26 किलोमीटर में। तो मैंने कहा अगर मेरे पास बुकिंग नहीं आई तो मैं चल दूंगा, अगर आ गई तो मैं निकल जाऊंगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एडवांस में आ रही थी, गोला डेयरी से आ रही थी सेक्टर 67 गुड़गांव की, तो वो मैंने एक्सेप्ट करी, वो बंदे ने कैंसिल कर दी। फिर दोबारा जब मैंने राइडर को छोड़ा निर्मल धाम के पास, तब मेरे पास आई सेक्टर 43 गुरुग्राम की। तो मैंने कहा ये सही है, हॉरिजन टावर की थी, तो मैंने कहा ये ठीक है, उसको राइड को मैंने लिया। और CNG भी दो पॉइंट पे थे, CNG ये लगा लो कि कल मैंने दिन में डलवा ली थी तो वही चीज चल रही थी, तो उसी में मैं लेकर गया। सेक्टर 43 छोड़ा, वहां से मेरे पास सीधा अभी आपका बाटा चौक, आपका इधर गुड़गांव के पास सुकराली के पीछे की तरफ जो फ्लाईओवर है, बस वहीं पे मैंने ड्रॉप किया। वहां से फिर मेरे पास CNG में सोचा था डलवा लूं, तो जैसे डलवाने जाने लगा वैसे मेरे पास तुरंत आई लंबी बुकिंग सदर की, सदर बाजार थाने की। तो मैंने उस और सदर बाजार से ही गुड़गांव सदर बाजार से पिकअप था, गुड़गांव दिल्ली सदर बाजार पे ड्रॉप था। तो मैंने उसको फोन करके बोला भाई मैं सदर आपको छोड़ तो दूंगा बट आपको बाहर की तरफ उतारूंगा। उसने खुद ही बोल दिया भैया हमें एक्चुअली बाहर की तरफ ही उतरना, आप थाने पे उतार देना। मैंने कहा चलो, तो मैं पिकअप लेने पहुंचा। वैसे जैसे ही पहुंचा वही राइडर देखता हूँ 5 जने। अब 5 जने में है तो मतलब ये लगा लो कि बहुत ही ठीक ठीक थे बंदे, पतले पतले से थे। तो मैंने उनको मना किया, मैंने कहा यार भाई जा नहीं सकते, ठीक है चालान वगैरह हो जाएगा। कह रहा है यार हमसे गलती हो गई, हम बड़ी गाड़ी करनी चाहिए थी बट क्या है कि हमें ऑलरेडी लेट हो गया, किसी कोई एक्सपायर हो गया उसके उसमें जाना है। तो मैंने कहा सर एक्सपायर तो हो गया है। कह रहा देख लेंगे हम पुलिस वालों को, अगर कोई रोकता है चालान करता है तो हम बात कर लेंगे, आपका चालान नहीं होने देंगे। तो फिर मैंने भी सोचा यार देखो कोई अगर दुख में जा रहा है तो उसका साथ जरूर देना चाहिए। देखो चालान तो है, हालांकि 5 राइडर को बैठाने पे चालान हो सकता है, बट क्या है कि अगर इमरजेंसी में जा रहे हो आप तो ले सकते हो। तो मैंने उनकी वो देखी, मैंने कहा परेशान है, हालांकि मैं उसे कैंसिल कर देता हूँ, कोई फायदा नहीं है। किसी की अगर हेल्प कर सको तो अपनी साइड से कर दो। वैसे ही कोई एक्सपायर हो रखा है, किसी को टाइम पे पहुंचना है, किसी की डेथ बॉडी उठने वाली होती है, तो इस वजह से मैंने उनको बैठा लिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं। फिर मेरे पास CNG भी रेड पे थी, तो ये लगा लो मैंने चाणक्यपुरी से CNG डलवाई फटाफट, और वहां से खाली पड़ा हुआ था जीएस मेरे कॉलेज के पास में जो CNG पंप है, तो उससे डलवा के फिर मैं सीधा फटाफट उनको, मतलब ये लगा लो मैंने 45 मिनट में उनको सदर थाने के पास ड्रॉप कर दिया था। टाइम से पहले 1 बजे तक उनका टाइमिंग था और मैंने 12:30 ही ड्रॉप कर दिया था। तो हो जाता है दोस्तों कभी कभी किसी की मजबूरी को भी देखना चाहिए। कई बार हम लोग ऐसी बुकिंग्स, मतलब किसी को देखो सबसे पहले तो किसी को अगर हॉस्पिटल जाना हो वो बुकिंग्स मिस मत करो। हॉस्पिटल बंदा किस रीजन से जा रहा है, बीमारी है, कुछ है, अर्जेंट है काम, तो कोशिश करो कि हॉस्पिटल की बुकिंग को कैंसिल ना करें तो बेस्ट है। क्योंकि किसी दिन हम भी कैब बुक कर रहे होंगे तो हमारे साथ भी अगर ऐसे कैब ड्राइवर करे तो उसमें दिक्कत हो जाती है। काफी ड्राइवर भाई कैंसिल कर देते हैं यही सोच के कि यार छोड़ो उस तरफ नहीं जाना। तो कई बार होता है कि भैया चले जाओ वो सही है। अब मैं सुबह निकला तो मेरे पास जो मर्जी बुकिंग आई मैंने करी, ठीक है। अब जो जब आपके पास बुकिंग ही नहीं बुकिंग नहीं आ रही और जब आ रही है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये आपकी गलती है कि आप खुद अपनी अर्निंग पे लात मार रहे हो। तो इसी चक्कर में मैंने मतलब जो भी बुकिंग आई सुबह मैंने उठाई, 4 किलोमीटर से आई, बट मैंने कहा काम करना है तो करना है। तो यही सोच के मैं मतलब ये लगा लो सदर उनको छोड़ा है। सदर के बाद मेरे पास आ गई सीधा वहीं से ये लगा लो जो आपका रानी झांसी वाला गोल चक्कर है वहां से लेफ्ट लेते हैं जो टूवर्ड्स उधर जाता है पहाड़गंज साइड कमला मार्केट साइड, तो उसी रेड लाइट से आई थी। तो मैंने उनको बोला भैया आप रेड लाइट की इस तरफ आ जाओ, आर के आश्रम वाली साइड, फरीदाबाद की बुकिंग थी। फरीदाबाद आपका ग्रीन वैली करके गुरुगुल रोड है जहां पर आपका वो ये लगा लो बस जहां पर फरीदाबाद का टोल है, टोल के साइड में ही जो फाटक सा बना हुआ रेलवे ट्रैक, बस वहीं पे ड्रॉप था। तो वहीं पे मैं ड्रॉप किया, फिर करके फिर मैं आ गया था ओमेक्स के पास में अंदर अंदर से। तो मैं लंच ही कर रहा था, मैं सोचा आज भाइयों से बात करेंगे लाइव आके,
तो बात हो नहीं पाई, जैसे लाइव जाने लगा वैसी एक्चुअली क्या था, उबर की वो मैंने ऑन कर रखी थी क्योंकि लोकेशन ऐसी थी कि फरीदाबाद में आपको पता है एक बार आप अटक गए तो फिर अटक ही गए, तो इसीलिए मैंने ऑन रखा। मैंने कहा अगर मैं लाइव में रहा, राइड आ गई, तो तुरंत लाइव बंद कर दूंगा, जितनी देर बात कर सकता हूँ भाई से उतनी कर लूंगा, बाकी मैं बंद कर दूंगा। तो जैसे ही मैं लाइव आया, अनफॉर्चुनेटली खाना भी खा रहा था मैं उसी टाइम, टुकड़ा ही तोड़ा था बस खाने का, वैसे ही मेरे पास लाजपत नगर की ट्रिप आ गई। तो मैंने कहा यार अब ट्रिप तो लेनी चाहिए, भाई बातें बातचीत बाद में रहेगी, सबसे पहले काम है और काम जरूरी है, और इसीलिए मैंने खाना भी छोड़ा, खाना साइड में रखा। सबसे पहले वहीं से 500 मीटर पर राइडर खड़े हुए थे तो उनको पिकअप लिया, लाजपत नगर सेंटर मार्केट छोड़ा बीकानेर वाला के पास, और वहां से मैंने बंद कर दिया था डिवाइस। फिर मैंने मूलचंद हॉस्पिटल के वहां गेट के सामने जो बंद रहता है वहां पर खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर 10 से 15 मिनट में खाना खाया, उसके बाद मैं निकल गया हूँ, राइट मारा, राइट मार के मैंने लोकेशन डाली, सीधा मेरे पास यहाँ की आ गई विगस मॉल की। तो दोस्तों आज सुबह निकला था करीब ये लगा लो 6 बजे और अभी 4:54 हो चुके हैं, तकरीबन आपके 11 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, 1 घंटा बचा है, 12 घंटे में मतलब रुका नहीं हूँ, नॉनस्टॉप गाड़ी चलाई है, तो जितना भी काम हुआ है उतना मैं आपको शेयर कर देता हूँ। और कोई खास काम नहीं हुआ है, पर जितना भी हुआ है मतलब जल्दी जाने से ये फायदा है कि आपका जल्दी जल्दी काम हो जाता है और जल्दी जाके आप अपनी फैमिली के बीच में रहते हो। तो आज का मैं काम आपको बता देता हूँ, आज का काम तो दोस्तों आज का काम मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ₹2,036 का मेरा उबर का काम है आज का, जिसमें मेरे को टोल मिले हैं ₹330 का टोल मेरे को मिला है, वैसे 360 का मिला है, जिसमें से ₹30 मैंने फरीदाबाद से जब आ रहा था तब मैंने लगा लिया था, और जब मैं यहाँ से फरीदाबाद जा रहा था तब मैं नीचे से लेकर आया था। नीचे से आने में एक बेनिफिट मिल जाता है कि आपको टोल मिल जाएगा और राइडर के बिल से कट जाएगा, तो आपको टोल मतलब बेकार ऊपर से जाता, 2-3 मिनट का वो लेट था, इसलिए मैंने ₹30 बचाए अपने, ₹30 और एक्स्ट्रा आ गए। तो ₹330 का टोल है और ₹2,036 का काम है, तो 2036 प्लस 330 आपका ₹2,360 ₹70 जो भी आपको जोड़ना है आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो ₹2,360 का टोटल काम है आज का, जिसमें से ₹330 का जो टोल है उसको हम हटा लेते हैं, साइड में कर लेते हैं, जो काम है 2036 का है, राउंड फिगर आप मानो तो 2000 का काम है। 2000 के काम में दोस्तों जो CNG मेरी लगी है, मैंने आज दिन में डलवाई थी ₹605 की, जिसमें से मेरी तकरीबन 100-200 तक की CNG इसमें लग चुकी है, और पहले की मैंने डलवाई थी कल 467 की, तो तकरीबन ये लगा लो ₹630 की CNG मेरी आज लग चुकी है, ₹630 का CNG है, 2036 का काम है, तो 2036 में 630 हम निकाल लेते हैं, तो राउंड फिगर जो बचेगा वो ₹1,400 आएगा। ₹1,400 में जो दोस्तों इसमें से गाड़ी की मेंटेनेंस भी हटानी है, ₹200 की गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, RC जो भी तामझाम हमें करना पड़ता है, एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, जो भी गाड़ी में जरूरत होती है वो डेली के ₹200 के हिसाब से मैं निकालता हूँ, तो ₹200 इसको निकाल लेते हैं, ₹1,400 में से 200 और चले गए, तो आज की नेट इनकम है ₹1,200 की, तो ₹1,200 में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी नेट इनकम है, नेट प्रॉफिट है, इसमें सब कुछ मैंने हटा दिया, गाड़ी की मेंटेनेंस सब कुछ हटा दिया है। तो अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको इसमें से अपनी EMI भी निकालनी पड़ेगी दोस्तों, ₹500 की EMI निकालोगे तब जाके आपका काम आएगा। तो ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है आपके टाइम पे, कितना टाइम आप रोड पे दे रहे हो, जितना टाइम आप रोड पे दोगे, जितना काम करोगे बैक टू बैक उतना अच्छा काम आप कर सकते हो, बट एक जो लिमिट होती है वो मैं बता रहा हूँ, 12-13 घंटे इनफ होते हैं दिल्ली के ट्रैफिक में, ठीक है। मैं सुबह 4:30 उठा था और उठने के बाद अब 5 बज चुके हैं, घर जाऊंगा, घर जाके थोड़ा बहुत होऊंगा, फिर उसके बाद अपना खाना पीना खा के आराम करना है। तो सुबह जितनी जल्दी, कोशिश यही है मेरी सुबह जल्दी उठने की, अभी 2 दिन तो हो ही रहे हैं कि कंटिन्यू मैं उठ ही रहा हूँ, ठीक है, और आगे भी जैसी हैबिट डालोगे वैसी बनती रहेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो ओला उबर के बारे में जानना चाहते हैं, एक्चुअल में ओला उबर में काम कितना है, वैगनर गाड़ी लेने में फायदा है, डिजायर में लेने में फायदा है, एर्टिगा लेने में फायदा है, या किसी की गाड़ी लेकर चलाने में फायदा है,
तो ये सारी की सारी वीडियो मैंने डाली हुई है डिस्क्रिप्शन में, आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक वाइज वीडियो लगी हुई है। तो आपको कुछ भी कमेंट्स पूछना है मेरे से या आपको कॉल पे बात करनी है तो आप व्हाट्सएप कॉलिंग कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप कॉलिंग का भी दोस्तों एक टाइम होता है, मैं जैसे घर पहुंचता हूं तो मैं पॉसिबल नहीं हूं कि आपको जवाब दे पाऊं कॉल का, बट हाँ मैसेज का आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, आप मेरे को मैसेज भी कर देना। तो दोस्तों इस ब्लॉग को कर लेते हैं यहीं पे एंड, और मिलते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेनिंग पे। टिल देन बाय बाय।